दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के IIT कॉलेज के पास कार से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रेटर नोएडा के सिरसा रामपुर गांव का रहने वाला 23 साल का अमित भाटी कल दोपहर अपनी कार से निकला था, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। शाम 7:30 बजे IIMTPK कॉलेज के गार्ड को एक कार जब संदिग्ध हालत में दिखी तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, सूचित किया। पुलिस ने जब कार खोली तो उसमें अमित की लाश पड़ी थी। युवक को करीब से पेट, गर्दन और माथे पर गोली मारी गई थी। ऐसा अंदेशा है कि हत्या करने के इरादे से ही अमित को गोली मारी गई। अमित की सोने की चेन, मोबाइल और पर्स भी गायब है। हाल ही में अमित के परिवार को करोड़ों का मुआवजा मिला था। कोई फोन नहीं गया किसी का भी। अब हमें तो सुबह अभी 6:30 बजे से जयपुर पुलिस चौकी के थानेदार राजेंद्र सिंह, उसने बताया एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। जब हम रास्ते में आया जब गोली की तो जब मालूम पड़ी है हमें, काटने आ गए हैं, जब पता लगी गोली मारी है उसके। अच्छा। किसी से कोई गांव में किसी से कोई विवाद नहीं, गांव में भी किसी से और आस पास में भी किसी से कोई भी नहीं है। परिवार अभी सदमे में, कोई जानकारी नहीं किसी के पास कि आखिर कैसे ये घटना घटी, कैसे ये हादसा हुआ। लेकिन अमित को गोली मारी गई और जिस हालात में उसका शव मिला उससे अंदेशा यही है कि हत्या के मकसद से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन साथ ही जो सामान उसके पास मौजूद था, चाहे सोने की चेन, मोबाइल और पर्स, वो भी चोरी।